हाय, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक मिनट न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में फिर से हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कुछ अलग एलिमेंट्स इसके बेसिस पे। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे बाय कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कॉस्ट को क्लासिफाई दो कैटेगरी में किया गया, एक तो कंट्रोलेबल कॉस्ट, एक तो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अब कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which can be influenced by the action of a specified manner of an undertaking. That is to say, costs which are at least partly within the control of management and organization is divided into number of responsibility centers, and controllable costs incurred in a particular cost centers can be influenced by the action of manager responsible for the centers. Generally speaking, all direct costs include direct material, direct labor, and some of the overhead expenses are controlled by lower level of management. Yes. So controllable cost क्या होता है? वैसी cost जिसको हम control कर सकते हैं, जैसे wastage. Wastage किसकी? Raw material की। अब production में हो सकता है ना कि जहाँ 1 kg लग रहा था आप 1.5 kg लगा रहे हो, यार फ्री का आ रहा है, अपना क्या जा रहा है, हम तो लेबर है। अगर इस टाइप की अगर thought हुई तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, आप वहाँ बार बार चेकिंग करते रहो कि आप यहाँ पे आप कॉस्ट बता सकते हो। सेकेंड थिंग, अब जैसे हो सकता है आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हर एक कंपनी यूज करती है, तो अब आइडल टाइम है लेकिन आप फिर भी मशीन को आपने ऑन कर रखा है, तो एक तो लेबर की कॉस्ट जा रही है प्लस उस मशीन की कॉस्ट जा रही है, उसकी रनिंग ऑलरेडी हो रही है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करने के बाद। कंपनी में कैंटीन्स होते हैं, वहाँ पे अगर कोई पर्सन नहीं है तो उसके फैंस को ऑफ कर दो, लाइट्स को आप ऑफ कर दो, जिससे आप वहाँ के कॉस्ट को सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से करके कुछ ऐसे खर्चे हैं जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर लेबर की इफिशेंसी अगर इंक्रीज कर जाए, तो लेबर की इफिशेंसी इंक्रीज करेगी तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। तो यहाँ भी कंट्रोलिटी है, अगर लेबर सही तरीके से काम करे, वो बिल्कुल फुल इफिशेंट के साथ, फुल डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ काम करे, तो हम वहाँ भी कॉस्ट को अपनी सेव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाह के भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन की कॉस्ट अनकंट्रोलेबल है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रेकडाउन हुआ तो हुआ, वो होगा ही, ठीक है, उसको आप पता नहीं कर सकते ना कि पहले से आप, हाँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हो जिससे ब्रेकडाउन कम हो, बट कितनी कम हो सकती है ये कोई नहीं बता सकता, बिकॉज मशीन से तो है कभी भी खराब हो सकती है। तो वैसे कॉस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोल हो गया। अब जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग, ये भी अनकंट्रोलेबल है, बिकॉज आपको रेंट तो देना है, मैंने आपको बताया था आप लीज एग्रीमेंट होता है, तो आप इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? रेंट का खर्चा आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सैलरीज ऑफ द वेरियस पर्सन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको उतनी सैलरी तो देनी है जो फिक्स एम्प्लॉई है। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे जो कंट्रोलेबल है, बहुत सारे खर्चे जो अनकंट्रोलेबल है, कुछ हमने आपके साथ डिस्कस किया इसके बारे में। The distinction between controllable and uncontrollable is sometimes left to the individual judgment and not sharply maintained. It is only in relation to a particular level of management or individual manager that we may say whether a cost is controllable or uncontrollable. A particular item of cost which may be controllable from the point of view of one level of management may be uncontrollable from the point of view from another. Moreover, there may be an item of cost which is controlled from the long term point of view and uncontrolled from the short term point of view. This is partly so in the case of fixed cost. Yes, fixed cost ko aap long run mein kam kar sakte ho. Jaise aaj se 5 saal baad main chahta hu ki meri fixed cost kam ho jaye, to aaj se mujhe uske liye steps lene padenge. Kaise ho sakta hai? Main apna land aur buy kar lu jisme main khud ki plant establish kar lu, mera rent ka cost bach jayega, 5 saal baad notional cost aayega, fir bhi mere liye cost kam padega. इस तरीके से करके हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि हम फिक्स कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लॉन्ग रन में आप कुछ कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो जो आपकी अनकंट्रोलेबल है उसको, बट शॉर्ट रन में डेफिनेटली मैक्सिमम कॉस्ट जो भी फिक्स नेचर के आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो इन शॉर्ट रन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नॉर्मलिटी। अब देखो नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, हम नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, इट इज द कॉस्ट which is normally incurred at a given level of output in the conditions in which that level of output is normally attained. It is part of cost of production. Normal cost. देखो normal cost क्या हुआ, किसी product को बनाने के लिए आपको एक normally आपको इतनी cost तो आएगी आएगी, मतलब जो इसकी
नॉर्मल बोले तो इन जनरल से, जैसे सॉलिड बनाने के लिए आपको 100 kg रॉ मटेरियल चाहिए था, जो भी एक्चुअल में चाहिए होता है उतना ही आपने खर्च किया, 100 kg आपने रॉ मटेरियल लगाया, लेबर भी आपने इसी प्रोडक्शन में लगाया, मतलब जो भी रेशियोज थे वो आपके एज पर स्टैंडर्ड थे, तो इसकी जो कॉस्ट आई उसको बोलेंगे नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट हमारी कितनी होनी चाहिए, 200, बट हो सकता है ना लेबर ने एफिशिएंसी नहीं दिखाया, या फिर कोई ऐसा मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, या फिर रॉ मटेरियल का वेस्टेज ज्यादा हो गया जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, तो ये कॉस्ट बढ़ के 300 हो गया। तो ये जो 100 आपने जो एक्स्ट्रा कॉस्ट कर दिया, ये आपके लिए क्या हो गया, एबनॉर्मल कॉस्ट। अब एबनॉर्मल कॉस्ट आप बाहर से चार्ज नहीं कर सकते ना। जैसे एक अलग सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप सपोज वॉयल है, पेट्रोल है, आप पेट्रोल मार्केट से खरीद के लाते हो, तो अगर पेट्रोल मार्केट से आप खरीद के ला रहे हो तो रास्ते में पेट्रोल क्या करता है, अब ऑपरेट करता है, उड़ता है पेट्रोल, इसका नेचर ही ऐसा होता है, आप कितना भी कोशिश कर लो थोड़ा ना थोड़ा पेट्रोल तो उड़ ही जाएगा, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, वो आपका एक नॉर्मल हो सकता है कि चलो आप 10 लीटर लेके आते हो तो इसमें से 0.5 यानी 500 ml उड़ जाता है, बट 9.5 लीटर तो आपके पास होना चाहिए, बट ये 9.5 नहीं होगी, 8 लीटर अगर आपके पास है तो आपने 1.5 लीटर जो आपने एक्स्ट्रा उड़ा दिया वो क्या हो गया, आपके लिए एबनॉर्मल लॉस हो गया, और उसकी कॉस्ट एबनॉर्मल कॉस्ट हो गई आपके, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट कंट्रोलेबल होता है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल कॉस्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो इतना होगा ही। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाई रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के रिलेशनशिप में कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये सबने आप सबने बचपन से पढ़ा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, और रेवेन्यू जो विद इन द अकाउंटिंग पीरियड होता है। और एक अदर सा भी मैं आपको एक सिंपल सा बताऊँ, जो रेवेन्यू खर्चे हुए ना P&L में जाकर राइट ऑफ हो जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंसिस कभी भी P&L में जाकर राइट ऑफ नहीं होता। हाँ, उसका डेप्रिसिएशन जा सकता है, उसको हम एक्यूमुलेट करते हैं, एक साल में राइट ऑफ नहीं करते, ठीक है। तो डिफरेंस है बेसिक से कैपिटल एंड रेवेन्यू के बीच में। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के मैं आपको बार बार, अब जैसे हम इसको पढ़ भी लेते हैं, द कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर परचेजिंग एंड एसेट्स, जो भी हम एसेट्स को परचेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड कॉस्ट जो आया हमारा, ठीक है, इनकम एंड इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस कॉल्ड कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि एसेट्स आपने लॉन्ग रन के लिए परचेज किया। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ ए रोलिंग मशीन इन केस ऑफ स्टील प्लांट, सच कॉस्ट इज इनकर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट द बेनिफिट अक्रिंग फ्रॉम इट इट इज स्प्रेड ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स। इफ एनी एक्सपेंडिचर इज डन इन ऑर्डर टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंसर्न, सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एसेट्स और रनिंग ऑफ बिजनेस, इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे आपने प्लांट एंड मशीन परचेज किया तो उसकी कॉस्ट जो है वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हो, मंथली उसमें रिपेयर कर रहे हो, छोटे मोटे उसकी खराबी को आप ठीक कर रहे हो, तो आपके लिए वो रेवेन्यू कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, लेबर चार्ज पेड टू कन्वर्ट द मेटेरियल इन टू प्रोडक्शन, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, ये सारे खर्चे क्या है, बिटवीन डिस्टिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम इंपॉर्टेंट इन कॉस्टिंग, ऑल item of revenue expenditure are taken into consideration by calculating cost, where capital item is completely ignored. Capital item को हम completely ignore करते हैं, हम उसको cost में नहीं include करते, उसको हम क्या करते हैं, allocate करते हैं, apportionment करते हैं उसका, मतलब उसको हम estimate करते हैं, depreciation उसका charge करते हैं period wise, not किसी एक particular product। अब जैसे depreciation पूरे whole year का charge किया जाएगा cost record, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस बेसिस पे हो सकते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ। सपोज अब मान लो मेरे पास एक मशीन है जो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करता है, उसकी कैपेसिटी कितनी की है, 10,000 यूनिट की, बट अब मशीन 5 साल 10 साल चल चुका है, अब उसकी रिपेयर, तो इसकी क्या होगी, इसकी कैपेसिटी रिड्यूस होकर 8,000 पे आ चुकी है, ठीक है। अब हमने एक रिपेयर किया, रिपेयर करके हमने इसको 10,000 यूनिट पे लेके आया, ठीक। तो जो 2,000 यूनिट बढ़ाने के लिए जो हमने खर्चा किया उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस।
बिकॉज हमने ओरिजिनल कंडीशन में लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए वो हमारा रेवेन्यू हो गया। इससे इसकी कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ गई, इसकी कैपेसिटी 10,000 की 10,000 थी। हाँ, बट रिपेयर ना होने की वजह से जो एक काम कम कर पा रहा था वो इतने अच्छे से काम करेगा और अब उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता है जितना उसकी कैपेसिटी है। अगर यही हमने क्या किया, हमने इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट यूज किए जिससे ये कैपेसिटी इसकी 10,000 से क्या हो गई 15,000। तो जो 5,000 कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो भी हमने इसमें कॉस्ट लगाया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड आपको सब कुछ समझ में आया होगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।